स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। लखनऊ कोर्ट में पश्चिमी यूपी के बड़े बदमाश संजीव जीवा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश वकील की ड्रेस में आए थे, उन्होंने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग से कोर्ट में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। माफिया मुख्तार का करीबी था संजीव जीवा। जीवा की हत्या के बाद अखिलेश यादव और मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए हैं। लखनऊ कोर्ट में चली ताबड़तोड़ गोलियां। अपराधी संजीव जीवा को गोलियों से भूना गया। फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लगी। वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर। माफिया मुख्तार का करीबी था जीवा। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा वेस्ट यूपी का गैंगस्टर, माफिया मुख्तार का करीबी, जिसे आज राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक संजीव जीवा को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था, जहां वकील की ड्रेस में आए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली से छलनी संजीव जीवा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हमलावरों को दबोच लिया। हमलावरों की फायरिंग में एक पुलिस के जवान और एक बच्ची भी घायल हुई है। जीवा की दिन दहाड़े हत्या से पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक वकीलों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। बच्ची ठीक बताया जा रहा है, चिंता मत करिए। हाँ। बाकी और अपडेट हम लोग देंगे। अपराधी पकड़ा गया, गोली मारा, उसको गोली मारा, उसको पकड़ा गया, उसको भेजा गया। बाकी पूछताछ में निकल के आएगा कौन था, क्या मोटिव था, वो सब जानकारी जैसे जैसे मिलेगी आपको। जी, सुरक्षा तो कड़ी रहती है, कहे जाते हैं दावे के, लेकिन फिर भी अभी उस इशू पर नहीं डिस्कस कर सकते। प्रायोरिटी हमारी है कि चीजें नॉर्मल हो जाए पहले, वो इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे और बाद की चीजें वो हम लोग बाद में। जीवा की हत्या के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जीवा हत्याकांड को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव जीवा लखनऊ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। जीवा को 1997 में हुए बीजेपी नेता ब्रह्मदेव द्विवेदी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई थी। उस पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का भी आरोप लगा था। जीवा पर जेल में ही गैंग संचालित करने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप लग रहे थे। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से ही संजीव माहेश्वरी ने अपनी जान को खतरा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।